नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग मुख्तलिफ लोगों से बात करके उनके तजुर्बात आपसे शेयर करते हैं, मगर लगता है ये साहब शहर आके थोड़ा पछता रहे हैं। मिस्टर, कौन हो तुम? ईद से पहले क्यों आ गए हो? यहाँ पहले ही इतनी भीड़ है। सिर्फ मिस्टर नहीं, मिस्टर शैतान कहो, समझे? क्या पता शैतान ही हो, ये कोई शैतानी तो नहीं कर रहा। चले इससे बात करते हैं। तो हाँ मैं शैतान, परेशान क्यों लग रहे हो? माइंड योर लैंग्वेज, मैं परेशान नहीं, फिक्रमंद। देखो बच्चू, पहले ही अपनी हरकतें ठीक कर लेते तो आज परेशानी ना होती। डर लग रहा है ना? मुझे अपनी टीम की फिक्र है कि वो इतना सारा काम मेरे बगैर कैसे करेगी। वैसे अब तो एक्सपर्ट हो गए हैं, मुझे सिखा रहे होते हैं, कर तो लेंगे मेरे बगैर। हैं? हमने तो कुछ और ही सुना था। तो शैतान, तुमने भी अपनी टीम बना ली, तो किन किन शोबों में तुम्हारी टीम काम कर रही है? नजर ना लगाना, अभी हमारी टीम का फोकस जखीरे अंदोजी और कीमतों के इजाफे पर है। हमने बिल्डर्स को कह दिया है कि बड़ी बड़ी इमारतें बनाएं और फिर उसमें गोदाम सस्ते दाम पर दें और फिर जखीरे अंदोज उन गोदामों को भरें। इसका तुम्हें क्या फायदा? कोई पॉइंट्स वॉइंट्स मिलते हैं क्या? एमी बिला वजह गोदाम किसी और का, किराए पे कोई और दे रहा है, जखीरा कोई और कर रहा है, तुम बिला वजह बीच में मामले बने हुए। अबे घोंचू, जब इमारत बनेगी तो गोदाम किराए पर जाएंगे तो बिल्डर कमाएगा, फिर उसके बाद गोदाम में इंसानों की जरूरत के इस्तेमाल की चीजें, दवाएं वगैरह जरखेज होंगी तो जखीरे अंदोज कमाएगा, फिर बच्चे मुनाफा खोर तो वो खुद ही आवाम की बजा देंगे। लेकिन जब सब काम कर रहे हैं तो इसमें तुम्हारा क्या फायदा? किन शोबों में काम कर रही तुम्हारी टीम? मेरी टीम पेट्रोल में मट्टी का तेल, दूध में पानी, अंडों में चूना, गोश्त में प्रेशर, तो हमने तुम इंसानों के खलूस में मिलावट शुरू कर दी है। तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई? हम इंसान तो झूठ, मिलावट, फ्रॉड, धोखाधड़ी, चोरी, डकैती, इन सब के तो आदि हो गए। इस सब में नया क्या रह गया? ये सब काम मैंने ही इंसानों के रूप में अपनी टीम को सिखाए हैं। अब वो अपनी छोरी हरकतों से तुम सब इंसानों को रुलाएंगे। मैं तुम लोगों को रुलाऊंगा? क्या ये मशहूर डायलॉग तुम्हारा तो नहीं? इस चीज का इल्जाम मेरे में न डालो। तुमने जब काम शुरू किया तो मुश्किल तो होती होगी मासूम इंसानों को बरगलाने में। क्यों नहीं, मैंने दिन रात मेहनत की है। शुरू शुरू में तो मेरी मार्केट ही नहीं थी, हर बंदा मुझे इग्नोर करता था, लेकिन अब तो मेरा लेडीज डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है। अबे क्या फैमिली सर्कल में घुस बैठा है, घुस बैठिए। लेडीज डिपार्टमेंट ब्रांडेड सूट, मेकअप, कीमती बैग, ज्वेलरी वगैरह के जरिए खवातीन को बेवकूफ बना रहा है। और कोई ब्रांड श्रांड नहीं होता, खुद सोचो आज से 20 साल पहले सब एक ही जैसे कपड़े पहनते, ये ब्रांडिंग मेरी ही इजाद। इसके अलावा और क्या कर रही है तुम्हारी टीम? क्रिकेट मैच तो नहीं हार रही? नहीं कसम से, मैच हारने वाली मेरी टीम नहीं है, वो तो तुम लोगों की ही टीम है। हमने घरों में रहने वाली फैमिलीज को अलहदा अलहदा करके बावर्ची खानों पर ताले लगवा दिए हैं। देखा नहीं है गुड्डू कैसे शादी के बाद छप्पड़ में रात को चिकन टिक्का लाता है और कमरे में घुस जाता है, सुबह जब हड्डियां सबकी नजर में आती हैं तो हर तरफ आग लग जाती है। शैतान पांडे। बात तो ठीक है, और क्या कर रही है तुम्हारी टीम? सरकारी दफातर में जरूरी काम करवाने जाने वाला जरूरी कागजात के बजाय पहले ये पूछता है यार पैसे कितने लगेंगे। देखना सबको परेशान करके रखूंगा, देखना सड़कों पे गाड़ियों में टकरे करवा के लोगों में लड़ाइयां करवाऊंगा, लोगों को मरी हुई मुर्गियां और खोते खिला रही है मेरी टीम, छोटे छोटे बच्चे किस तरह मोबाइल पर छिपटे हुए हैं। देखो मैं तो अब तक कोई बटन वाला फोन ही इस्तेमाल करता हूँ, और तुम इंसान? मैं किताब भी लिख रहा हूँ जिसमें तुम इंसानों को परेशान करने के 101 तरीके लिखूंगा, तुम अपने बहन भाइयों को भी पढ़ाना। हो गया तुम्हारा, जितनी चीजें तुमने बताई हैं ये तो मौसम के बिगड़े इंसान कर रहे हैं, इसमें तुम्हारी क्या कारीगरी है? तुम बिलावजह खुश हो जा रहे हो? अरे तुम शैतान हो या बेवकूफ? बड़ा है मेरी टीम, यहाँ तो मुलाजिम एहसान करने वाले मालिक का कारोबार खा जाता है, तुम इन्हीं चीजों में फंसे हो। मेरी टीम, मेरी टीम। अब देखो बंद तो तुम होने जा रहे हो, तुम्हारी टीम क्यों बंद नहीं हो रही? और जब तुम बाहर आओगे तो तुम्हें सब ओके की रिपोर्ट मिलेगी। कोई ऐसा काम करो जिसका तुम्हें भी कोई फायदा हो। आया बड़ा, मेरी टीम, मेरी टीम। लगता है चांद नजर आ गया। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये है कि आप लोगों को एक बार रिमाइंड करवा सकें कि रमजान का बाबरकत महीना शुरू हो गया और इस माह रमजान में नेकियों की तादाद डबल हो जाती है, तो इस खूबसूरत महीने की बरकत से फायदा उठाएं और अपने अच्छे अमाल के जरिए जितनी नेकियां बढ़ा सकते हैं बढ़ाएं। शुक्रिया।